दिस इज क्लिप एप्लीकेटर एंड इट इज़ डिस्पोजेबल आइटम। इसके अंदर तकरीबन 20 क्लिप होते हैं रखा है और ये 5 mm का क्लिप एप्लीकेटर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज गाल बेटर एक्सट्रैक्शन फोर्सेस। इसका मुंह देखें आप आगे से, ये गाल बेटर निकालने के लिए। यस सर। ये बेबकॉक, जस्ट लाइक द बेबकॉक, नज़र आ रही है आपको? यस। बेबकॉक की तरह है, लैप्रोस्कोपिक बेबकॉक। ये क्या है? सीजर है, वेरी सिंपल, इट्स अ सीजर। ये क्या है? नॉट पुशर। जब नॉट लगाते हैं उसे पुश करने के काम है। ये क्या है? इट्स नीडल है होल्डर। और इसकी जो ख़ास बात है, इट्स सेल्फ स्ट्रेटनिंग। अंदर इसके ग्रूव बना हुआ है, जब इसमें कोई भी, सिस्टर एक नीडल दे मुझे, कोई सी नीडल दे दी, कोई दे दें, यही दे दें, सिल्क की ज़रूरत है। ये देखो, ये मैंने नीडल को यूँ पकड़ रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही इसे बंद करेंगे ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ स्ट्रेटनिंग नीडल। ये देख, खुद ब खुद उसने सीधा कर, ये ऐसे था और ये उसने सीधा कर, एक ग्रूव की वजह। दिस इज़ क्लिप एप्लीकेटर। ये रीयूजेबल क्लिप एप्लीकेटर है। ये देखिए आगे क्लिप भी इसके लगा हुआ है, क्लिप एप्लीकेटर। इसके जॉ ऐसे होते हैं, जब हमने क्लिप अप्लाई करना है, फर्स्ट किया, ये सिस्टिक डक्ट है या सिस्टिक आर्टरी है, हमने यूँ डाला और जब इसे दबाते हैं हम, ये मैंने दबाया तो ये क्लिप लगा। अच्छा। ये ऐसे क्लिप एप्लीकेटर। ये फोर्सेप्स है, सिंपली इसका नाम फोर्सेप्स, पकड़ने के लिए विद सेरेटेड हैंड्स, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज एस्पायरेशन नीडल। क्या चीज़ है? एस्पायरेशन। जब इनका फूला हुआ होता है तो इस नीडल की वजह से उसको हम के जरिए से हम एस्पायरेट कर लेते हैं, एस्पायरेशन नीडल। ये भी एक फोर्सेप्स है। आमतौर पे इन सारे, ये जो बड़े बड़े जॉ वाले फोर्सेप्स हैं, इनको हम क्रोकोडाइल फोर्सेप्स कहते हैं। जैसे ये yes, जो ज़्यादा लंबा होता है उसे हम इंटेस्टाइनल फोर्सेप्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ ए ट्रामेटिक फोर्सेप्स, ठीक है, ए ट्रामेटिक है ये फोर्सेप्स। ये भी वही फोर्सेप्स हैं सारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये देखें, कर्व जैसे आर्टरी फोर्सेप्स होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज मैरीलैंड फोर्सेप्स। क्या कहते हैं? मैरीलैंड फोर्सेप्स। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है कवेडियन एब्जॉर्बट है, ठीक है। ये जो हम मैश रिपेयर करते हैं ना, उसके लिए हम इसमें टैकर लगाते हैं। टैकर लगाने का तरीका ये है कि जहाँ पे हमने ये मैश रखा हुआ है, तो जब हम फायर करेंगे तो ये देखो, ये टैकर लगेगा वहाँ पे, मैश फिक्स हो जाएगा। ये देखो, कपड़ा आपस में फिक्स हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज टैकर, एब्जॉर्बर टैक के नाम से। ये 11 mm की ब्लेडलेस ट्रोकार है और वो है अपना, क्या कहते हैं इसे, पोर्ट है, ठीक है। ये 10 mm की पोर्ट है, लेकिन ये रीयूजेबल। इसके अंदर हम ये डालते हैं, लेकिन ऊपर इसके एक स्लीव भी, वो भी होता है, कवर भी होता है, जो प्लास्टिक, ठीक है। दैट्स इट। और ये वही वाली आपने अभी देख चुके हैं, बाकी इसमें कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं। उधर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही, इसमें एक कैमरा है, कैमरे की पोर्ट फ्यूज हो रही है। उसके अलावा इंसफ्लेटर है, उसके अलावा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स की केबल है, और ये सक्शन इरीगेशन का सिस्टम है। सर जी, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना, बल्कि ये सकर इरीगेशन मुझे बता आप कर दिए मैंने यूँ, ठीक है, और ये मैंने सक्शन कर ली, तो वो पूरी की पूरी चीज साफ हो जाती है। इरीगेशन कैनेला भी इसे कहते हैं, ये परमानेंट भी होता है, लेकिन ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं। तो बटन प्रेस करने पे होगा इसको। ये सक्शन है, ये इरीगेशन। यार वो अगर ऑयल पड़ा हुआ वो उठा दूंगी।